हिंदी रीडर। कविता है बेटे आज हमारा चैप्टर सफल जीवन। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए, सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झकता है, सदा साथी पथिक को रमय छायदा करता है। बेटा इसके अकॉर्डिंग कविता में ये कहा जा रहा है कि वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। हमेशा कहते हैं कि जब भी हमें बारिश होती है, गगन से मेघ, मेघ क्या होता है बादल, गगन क्या है बेटे आसमान, आसमान से जब भी बादल बारिश करते हैं वो अपने लिए बारिश नहीं करते बेटे, वो दूसरों के लिए बारिश करते हैं। सदा साथी, साथी होता है बेटे पेड़। आगे पथिक, पथिक क्या होती है जो राह में, राह पर चलने वाले राही होती है, जो रमाया छायदान करता है कि जो पेड़ होती है वो हमेशा जो राह में चलने वाले राही होती है, जो राह में चलने वाले राही होते हैं उन्हें छाया प्रदान करता है। ये इसीलिए कह रहे हैं बेटे कि हमेशा वही जीवन सफल है जो किसी के काम आता है, जो किसी के काम ही ना आए वो कोई जीवन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वही जीवन की परहित कर जो जग में नाम पा जाए, वही जीवन सफल है जो में सफल है जो किसी के काम आ जाए, सदा सूर्य अंधेर लोग को उजियार दे देता है, सुमन है बांटना सौरभ भी चंदा चांदनी देता है। बेटे कहते वही जीवन सफल है जो किसी के दुख में उसके काम आए। अगर अब जीवन में हमें कोई फायदा नहीं हमारे जीवन का, अगर हम किसी का सुख ना या दुख में कोई साथ ना दे पाए, वही जीवन सफल होता है जो हम किसी के अगर सुख दुख में खड़े हो जाए। कहते एक सूरज भी हमेशा अंधेर लोग, जहाँ पे अंधेरा होता है दूसरे लोगों को अंधेरों से निकालकर उन्हें उजियार रोशनी देता है। सुमन है बांटता सौरभ वे चंदा चांदनी, जो फूल होते हैं वो अपनी सुगंध, सुमन फूल सौरभ होते हैं बेटे सुगंध दूसरों के लिए रखता है। फूल अपनी खुशबू कभी खुद नहीं लेता बेटा, वो हमेशा दूसरों को खुशबू देता है, वे चंदा चांदनी देता है। उसी तरह से एक जो चांद है वो भी चांदनी दूसरों को देता है, ना कि वो अपने पास रखता है। नेक्स्ट है, वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पा लेते हैं, जरा सी आंख फिरते हैं उन्हें सब भूल जाते हैं। कहते दीपक वही अच्छा है जो अंधेरे में रोशनी लाता है, वही दीपक अच्छा है, सबसे बलवान सबसे अच्छा वही दीप है जो रोशनी करता है हमारे में, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आता है। कहते इस जीवन में हजारों दुनिया में इस संसार में हर रोज अनेकों जन्म होते हैं और कईयों की मौतें भी हो जाती हैं, उनकी मृत्यु भी होती है, जरा सी आंख फिरते ही उन्हें सब भूल जाते हैं। जब किसी की भी हमारे संसार में या हमारे आस पड़ोस में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद वो जरा सी आंख, बल्कि उसकी जब भी आंखें बंद हो जाती हैं पल में वो हमसे दूर हो जाता है और कुछ ही समय बाद उन्हें सब भूल जाते हैं। इसीलिए बेटे वे नेक्स्ट है, वही धन्य जीव जिसकी याद युग युग तक चली जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। बेटे कहते धन्य, धन्य होता है बड़ाई के जोग, जो तारीफ के जोग होते हैं, कि जो लोग तारीफ के योग होते हैं, इस काबिल होते हैं, जो अच्छे काम करती हैं उन्हों को ही लोग युग युग तक याद रखते हैं, उनकी यादें ही अगले जन्मों तक या युग युग तक चलती रहती हैं।
ऐसा नाम कमाना चाहिए कि हमारी यादें भी किसी के साथ जुड़े। यही इसमें कहा गया है कि वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। हमें हमारा जीवन वही सफल है जब हम किसी के सुख में किसी के दुख में उसका साथ दें। अगर हम किसी गरीब को उसकी हेल्प करते हैं तो वो बेटे हमें दुआएं ही देती हैं। इसलिए हमें इस कहानी से कविता से क्या शिक्षा मिलती है बेटा? हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों के दुख में सुख में उनका साथ दो।